और हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के कमान संभाल चुके हैं, तो कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। आज शाम को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, वहीं मंत्रिमंडल गठन भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कांग्रेस से महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त है, कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर भाजपा के नाकाम कोशिशों पर पानी फिर जाएगी। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण ले लिया है। अब कल फ्लोर टेस्ट की बारी है, आज विधायक दल की बैठक भी होनी है शाम 7 बजे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सह महागामा से विधायक दीपिका पांडे। दीपिका पांडे जी, मैम आपसे हम जानना चाहेंगे, हेमंत 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ ये कहा जा रहा है कि अब जो विकास की राह है वो और तेजी से बढ़ पाएगी क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए, चाहे इसके पहले हेमंत जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे बीच में चंपई दादा ने जो 5 महीने का कार्यभार संभाला, या फिर आने वाले समय में, यह तो तय है कि हम लोगों की सरकार में झारखंड की जनता के लिए काम किया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी हेमंत सोरेन जी ने उस पहिया को आगे बढ़ाया था, और 5 महीने के कार्यकाल में जब मुझे लगता है सरकार के लिए सबसे मुश्किल समय था, एजेंसीज का दुरुपयोग करके हेमंत सोरेन जी को सलाखों के पीछे डाला गया था, जिस पर कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दे दिया, और आगे अब जब हेमंत जी ने संभाला है और चुनावी साल भी है और हमारे हम लोगों का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो जितने भी वादे हम लोगों ने किए थे उसे अंजाम तक पहुँचाने का तो काम कर ही रहे। मैम, कल फ्लोर टेस्ट होने जाना है, आज विधायक दल की बैठक है, कितना आश्वस्त है? देखिए, भाजपा को बीच बीच में आता होगा कुछ सपने जैसा कि हम सरकार गिरा सकते हैं, और चौथी बार मुझे लगता है ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इसमें भी वो पहले 3 बार की तरह बुरी तरह से हारेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकारों को डिस्टर्ब करने का रिकॉर्ड भाजपा का रहा, उन्होंने हर बार यह प्रयास किया, और आज किन परिस्थितियों में यह सब हो रहा है वो अभी झारखंड की जनता के सामने। मैम, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कोल्हान के शेर को शांत कर दिया गया है जेएमएम, कांग्रेस और राजद के द्वारा। भाजपा जो है ना, अपने बारे में चिंता करें, कैसे शिवराज चौहान जी को मध्य प्रदेश में शांत करके यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है वो भी लोगों को उसकी जानकारी है। चंपई दा ने एक बहुत अच्छा कार्यकाल 5 महीने का हेमंत सोरेन जी के जेल में होने के बावजूद अच्छे से जिम्मेदारी से संभाले, एक गार्जियन की तरह पूरे झारखंड में उन्होंने काम किया है, और चंपई दा कैसा महसूस करें, उन्होंने अपने खुले शब्दों में अपनी बातों को रखा है, तो भाजपा को जो है इस बात की चिंता है कि उनका यह एक्सपोज हो गया कि कैसे उन्होंने एजेंसीज का दुरुपयोग करके झारखंड में डिस्टर्बेंस करने का काम किया था, तो इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए वो पहले भी अनाप शनाप बातें करते रहे, अब भी कर रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी अब होना है, नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है जब हम फील्ड पर जाते हैं, दीपिका पांडे सिंह जी को इस बार मौका मिलना चाहिए, आप कैसे? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, ये पार्टी को तय करना होता है कि कौन किस वक्त बनेगा। चुनाव सामने है, हम लोग अपने चुनावी तैयारी में हैं, इस तरह की बातें सिर्फ मीडिया वाले लोग करते हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं करते। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से दीपिका पांडे जी ने फ्लोर टेस्ट और तमाम मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है, रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ